हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिक हील। जब हम क्रिस्टल वर्ल्ड में घुसते हैं, क्रिस्टल्स में हमें बहुत इंटरेस्ट आता है, तो हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, हाउ टू चूज़ अ क्रिस्टल, हमें क्रिस्टल कैसे पसंद करना है। तो आइए जानते हैं कैसे। क्रिस्टल को चूज़ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो क्रिस्टल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और वो आप ही के लिए बना है। तो हमें अपनी वाइब्रेशंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो भी हमें क्रिस्टल पसंद आ रहा है, जो भी हमें अट्रैक्ट कर रहा है, वो हम एकदम से ले लें। क्योंकि कहा यह जाता है कि हम क्रिस्टल को चूज़ नहीं करते, क्रिस्टल हमें चूज़ करता है, तभी वो हमें अट्रैक्ट कर रहा होता है। हो सकता है कि क्रिस्टल आपको किसी गिफ्ट के फॉर्म में मिल जाए, कोई फ्रेंड है आपको गिफ्ट कर दे, क्योंकि वो अपनी जगह जिस पर्सन के लिए वो बना है वहाँ पर वो अपने आप पहुँच जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जो क्रिस्टल आपके लिए बना हो या जो आपको अट्रैक्ट कर रहा हो वो सुंदर दिखने में बहुत ब्यूटीफुल हो। हो सकता है वो रॉक क्रिस्टल हो, रॉ फॉर्म में हो, वो भी आपको अट्रैक्ट कर सकता है। कोई भी दो क्रिस्टल्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ और सब में बहुत डिफरेंस होता है, तो कोई भी दो क्रिस्टल्स सेम नहीं होते हैं। क्रिस्टल्स बहुत फ्रेजाइल होते हैं, तो हमें उसे बहुत केयर के साथ हैंडल करना चाहिए, क्योंकि वो गिरते ही टूट सकते हैं। उनकी जो नोक होती है, जो उनकी जो पॉइंटेड पार्ट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है, अगर वो ब्रेक हो सकता है। क्रिस्टल को चूज़ करने का एक और तरीका है कि बहुत सारे क्रिस्टल्स का कोई टब हो, उसके अंदर आप अपना हाथ डालें और जब आप बाहर निकालेंगे तो आप पाएंगे कि कोई ना कोई क्रिस्टल आपके हाथ से स्टिक्ड है या आपके हाथ के आसपास ही है, वो ही क्रिस्टल आपके लिए बेस्ट होगा। क्रिस्टल चूज़ करने के लिए आप क्रिस्टल डायरेक्टरी भी देख सकते हैं। क्रिस्टल डायरेक्टरी में जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो जो भी क्रिस्टल आपकी प्रॉपर्टीज़ आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, आप वो क्रिस्टल ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्रिस्टल को चूज़ करने के लिए आपकी नीड क्या है, आप किस पर्पस के लिए क्रिस्टल ले रहे हैं। आपको नींद की प्रॉब्लम है तो अमेथीस्ट लेंगे, आपको रिलेशनशिप के लिए चाहिए तो रोज क्वार्ट्ज़ आता है, और आपको नेगेटिविटी दूर करने के लिए होता है तो ब्लैक टर्मोनल होता है, सेलेनाइट है, बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, सबकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स होते हैं। तो आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग भी देखना चाहिए कि आपको कौन सा क्रिस्टल लेना चाहिए और उसके लिए आपको कौन सा साइज़ होना चाहिए, उसका किस तरह का क्रिस्टल होना चाहिए, किस शेप में होना चाहिए, आपको एज अ पेंडेंट पहनना है या आपको एज अ रिंग पहनना है या आपको अपने रूम में रखना है, पॉकेट में रखना है। तो ये सब भी आपको डिसीजंस लेने होंगे बिफोर चूजिंग अ क्रिस्टल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।